सो वेलकम हो गया सभी लोगों गाइस एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। सो गाइस यार आप देख सकते हो सूरज दादा भी जा रहे हैं नीचे और वहां से चंदा मामा आ रहे हैं वापस से। गर्मी तो बहुत फिलहाल अभी कम हो गई है बट यहाँ पे चिड़ियों के लिए हमें पानी और दाना रखना था। रुद्रांश भाई गए हैं लाने, अभी तो आ ही रहे होंगे। ये रहा हमारा प्लांट, इनमें भी पानी डालना है, ये भी बहुत सूख रहे हैं और आगे रुद्रांश भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो भी आपको बता दी भाई, अभी आपको मैं खुद बता दूँ टाइम अभी 6 o'clock के ऊपर 6 से ज़्यादा बज चुके हैं। और सोचो यार अब भी धूप कैसी है, ऐसी धूप है कि अगर मैं आधे घंटे भी यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ ना तो भी मुझे पसीना आ जाएगा। तो सोचो भाई इतनी देर में धूप में घूम रहे छोटे छोटे पंछियों का क्या होता है भाई। अभी हमने एक शॉर्ट वायरल किया है, मतलब अपलोड किया है, जिसमें रहता है एक गिलहरी कैसे वहाँ पानी पीते, क्योंकि भाई जैसे हम खाना खाते हैं वैसे उन्हें भी खाने की ज़रूरत है। हमारे मम्मी पापा खिलाते हैं, उन्हें कौन खिलाता है, उन्हें भी उनके मम्मी पापा ही खिलाते हैं, पर हमें गर्मी में अपने छत पे करना चाहिए। और गाइस ये सब जानवर हैं नेचर के, इन लोग के लिए हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये और कहीं से पा नहीं सकते। हाँ वो अलग बात है कि थोड़े बहुत जो हंटिंग कर लें कीड़े मकोड़ों के। और लेकिन गाइस अगर आप एक हम्बल ह्यूमन हो आपको सब करना चाहिए, प्लीज़ ऐसा करो, चिड़ियों के लिए पानी रखो और दाने डालो प्लीज़। देख सकते हैं अभी हमने आप रखे तो 5 किलो का दाना लगा दिया है और हम इनका पानी बदलने जा रहे हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे पानी तो बचा है बट जैसे हम पुराना पानी नहीं पीते, पुराना और बाकी तो वैसे पीने भी पीना चाहिए। और देख तो भाई अभी इतनी गर्म से भी मैं क्या बताऊँ। तो बस अब हम यहाँ पे गाइस ये देखो रुद्रा से पानी फेंक के और यहाँ पे क्या चीज़ है, छोटा सा छिपकली का बच्चा, माय गॉड। और अभी आई थिंक एक्टिव हो गया है। पानी रुक जरूर इसको और डाल थोड़ा सा इधर से दूर सीखना। हाँ हाँ वहाँ दाना है। तो गाइस ये पॉट को रख दिया हमने और इसमें चला गया है चिड़िया का पानी। फुल करो पूरा, बस बस बस। और ये बच्चे की गाइस अब जो बच्चा पानी है हम जा रहे हैं उसे प्लांट्स में डालने। गाइस जैसा कि आपने देखा भाई ऐसा काम आपको भी करना चाहिए। हमारे इस ब्लॉग में कोई मोटिव था नहीं, बस हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि अपने प्लांट्स और अपनी टेरेस में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करें क्रिएटिविटी। भाई जब वो कुछ खाए पिएंगे तो वो उनसे कहते हैं आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद आपको और आपकी फैमिली को ही मिलना है। गाइस जीवन में बस पुण्य कमाओ, स्वर्ग में जाओ और कुछ नहीं है। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।